अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रिद्धि रॉयल कैस्टल में, जहाँ पर वेलेंटिस की जानिब से आज एक गेट टुगेदर प्रोग्राम MBBS का यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें MBBS डॉक्टर्स पहुँचेंगे। कैंसर से रिलेटेड यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट पर बिंदुओं पर बात होगी। तो दोस्तों, चलिए ज्वाइन करते हैं आज का ये प्रोग्राम और दिखाते हैं आपको आज के यहाँ के कुछ व्यू। तो दोस्तों, द हीलर्स वेंटिस कैंसर सेंटर की जानिब से आज का ये जो प्रोग्राम रिद्धि रॉयल कैस्टल में ऑर्गेनाइज किया गया है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि सामने ये है रजिस्ट्रेशन काउंटर। तो जितने भी डॉक्टर्स को इनविटेशन दिया गया था, वो जो आ रहे हैं यहाँ पर, उनका रजिस्ट्रेशन और कार्ड बन रहा है, उसके बाद जो है उनका वेलकम हो रहा है, अंदर एंट्री हो रही है। तो हम इस वक्त मौजूद हैं रॉयल कैस्टल में और ये प्रोग्राम बस जस्ट कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। प्रोफेसर मीनू गुप्ता जी पहुंच चुकी हैं आज का ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। तो आज के इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने पहुंचे हैं नेटवर्क से अलादर एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी मिस्टर अथर हुसैन, तो एंटर करते हुए अथर भाई। अथर भाई आशीष जी से मिलते हुए यहाँ पर स्वागत करते हैं आशीष जी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो डॉक्टर्स आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर बन रहा है कार्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आने वाले डॉक्टर्स के कार्ड बन रहे हैं। शिखा मैम खड़ी हुई हैं इस वक्त और यहाँ पर हो रहा है डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर स्वागत के लिए डॉक्टर्स का और एंटर करते हुए डायरेक्टर आशीष सर, प्रोफेसर मीनू गुप्ता जी यहाँ पर स्वागत करते हुए डॉक्टर्स का और सीट के लिए बोलते हुए। तो तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर पहुँचे हैं आज के इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। तो आज की इस खूबसूरत शाम को आपके त्याग और बलिदान को, स्पेशली वर्ल्ड कप के दिन जो आपका बलिदान आप इधर आए उसको प्रणाम करते हुए, तो हम आज का सेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले गणेश वंदना से, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी डायरेक्टर डीलर डॉक्टर वीना से, डॉक्टर अमित, डॉक्टर सरकार और डायरेक्टर डॉक्टर तो काइंडली कम फादर लेफ्ट लाइट। तो आज के इस प्रोग्राम का शुभारंभ कर रहे हैं यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स, आशीष जैन जी डायरेक्टर, प्रोफेसर मीनू गुप्ता जी यहाँ पर जो है दीप जलाकर आज के इस प्रोग्राम का शुभारंभ करते हुए। The chairpersons for the session, Dr. Anshu Singh, Dr. Neera Chaudhary, Dr. Veena Singh, and Dr. Manisha, to please come up and take up their seats. And apologies, Dr. Professor Meenu Kamal, from Dealers Manager, please. Today, the topic given to me, that's why we decided the ANCO has to be there. Why the region has to be lag behind? As we know in NCR daily, there are a lot of ANCO centers are there. Every third street you are getting the linear accelerator and all that. First of all, I would like to thank Dr. Amit Jain, the chairman of this Valentis group, and Dr. CG is their director, who has taken the steps, and Dr. Prakash at the Keeler Hospital with a team of directors. They actually came forward to establish a multidisciplinary approach treatment of the malignancy under the one roof.
just to have a look over the what is a cancer is an uncontrolled proliferation of the cells. We know they are not the disciplined cells. We all are the disciplined, but once there is some stimulus is there and these cells, they go out of the control and there is an uncontrolled, unlimited proliferation which will lead to the cancer. For our young colleagues, those are students and they are sitting, for them they are the seven warning signs of the cancer. And we have to teach every individual in our country. I will be showing how much the malignancy they are going to blast our country actually, because if they are ignoring these seven warning signs like weight loss, skin changes, there are fatigue, unexplained pain, unexplained bleeding. Dr. Veena is there, you know, so many ladies are coming with a bleeding TV and they are sometimes ignoring because of hesitation. They don't present at the early stage, change of the bowel habits, and consistent coughing or hoarseness of voice is there. So there is a lot of awareness is actually required. Even I am telling, we own health professionals, they are suffering from this disease and ignoring this system. Why the Bijnor should lag behind? Why? Because already WHO, we know the how the COVID was controlled, everybody was looking towards the WHO. And the scenario of India is at present is there, the WHO, they have started a guide for all the countries, including our country also. We have to be policy maker for the control of this disease. Timely diagnosis is very important, and we have to improve the accessibility. And who are the policy maker? Policy makers, I am seeing lot of practitioner leaders of the Bijnor sitting there. And you all are the policy makers, because the patient, the first step, the first door, the patient is knocking you leaders. Then after we, the oncologists are the last. So Dr. Rajiv is there. So I was telling, for the last week, he has referred 4 or 5 cases of the oral cavity ENT malignancy. So you are asking for the PET scan or CT imaging. Again, the scenario of the cancer cervix has been changed. If the patient is presenting with a paraortic node, still we are not considering it is a metastatic disease. I think Dr. Gaurav is there. Am I right? It is not a metastatic and education activity, so that we can have a leadership. I think I have not taken much time. And thank you. Thank you, all the chairperson. Thank you. The topic given to me was morphology to molecular pathology and what's the rationale. So I assume this is one of the most important topics that we can go through, because in a city like Bijnor, which is upcoming and as ma'am said, is a medical hub. Not in the breast, but in the axillary tail. Our breast medical axilla mein gaant hai. Ab where is the origin of the tumor? Uske liye IHC is preferred. We take up a biopsy, send the tissue for analysis, do an IHC, do the tumor markers, and for such patients, IHC is preferred. Same, we have a patient with carcinoma, not in the but we have fluid. Us fluid ke liye we take up the fluid analysis and we do an isocytochemistry, that is called ICC. Another important aspect as clinicians is targeted therapies. Now, one of the first targeted therapy that ever developed, which I think is theoretically possible, but then we do it also. Thank you. Topic, approach to blood cancers. So, it's a huge topic. I won't be covering each and every detail, just the basic concepts of each aspect. First of all, leukemia. According to our Globocan data, 2022, and it's the 13th most ranked cancer in the entire world. While in mortality, it goes 3 steps up to rank 10th amongst an entire cancer in the entire world. As you can see, Asia is not very far behind. It's quite ahead in the both prevalence and the mortality, incidence, prevalence and mortality, followed by European countries and other countries. Progeny.
The lymphoid will further give rise to the lymphocytes, and the myeloid will give rise to megakaryocytes, myelocytes, and myeloid cells. What is important is all of our blood cancers. All of our blood cancers affect these pathways. If it is in the lymphoid stage, it will come in the ALL, a bone marrow biopsy. It will be a confirmation. If the bone marrow biopsy shows at least 30% blast cells according to FAB criteria and at least 20% blast cells within WHO criteria. Other stains are also important, like couch, which is also robotic couch, and on which the patient lies down during the treatment. It's very comfortable position as compared to the other accelerators. Is a new addition into the S7 model, which is not there in the previous model, and the receiver of the X-rays. Patient is there on this couch. So should we have any comprehensive cancer care program in our, not country, but this part of the country? You know, the pigeonhole, like if we are talking of the female malignancy, and female malignancy is a quite a big burden. So you, what do you think about the preventive measures for the females can be taken? As far as female cancer is concerned, I think the most common cancer in India right now is cancer cervix, and it is very much preventable. And it can be, the screening program for cancer cervix should be very well implemented in all the periphery areas basically. And it has been seen, it has been proved that if the screening program for cancer cervix is implemented very well, then we are able to reduce mortality. And so we have early detection and the symptomatic early symptom. CS service. And COVID-19 Gardasil vaccine we are providing to all the people. Basically, we will do thanks, ma'am, and we will do as many as CRVs and CAMs. And for everybody, we have to say that treatment is for everybody, it is pretty affordable. And we actually require myself, Pathar. I would like to know. Hello. I would like to know, do we have any symptom? How a common man, how a normal man, who is not highly educated, have knowledge that I have cancer? So, as a doctor, I think the very basic concept is first their lifestyle. Other they are smoking, consuming alcohol, and they have any mouth ulcers. First step is to approach a doctor. Ghar pe, even a normal ulcer should be considered very serious. Uske baad, second thing is, cancer apne aap mein achanak se nahi hota. It goes through a process of transformation from benign to malignant. Madam, sorry to stop. Mera question ye nahi hai. Symptom ka reason. Mera question ye hai ki cancer ka aam aadmi ko pata kaise lage ki I am suffering from cancer. सर, इसके लिए ना शुरुआत से पर्सन हैज टू बी वेरी केयरफुल. अपने आप को, जैसे मैम ने बोला, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज स्क्रीनिंग. सबसे पहले स्क्रीन करना होता है, अपना क्लिनिकल एग्जामिनेशन, खुद ही फीमेल को ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना जरूरी है. पैनल डिस्कशन के बाद अब यहाँ पर न्यूज़लेटर वेलिंटिस का वो लॉन्च होगा. तो शिखा मैम यहाँ पर जो है मैडम को गिफ्ट देते हुए अब इसको अनबॉक्सिंग करके आज का ये वेलेंटिस का न्यूज़लेटर यहाँ पर रिलीज होगा. आप देख सकते हैं रिलीज करते हुए तमाम डॉक्टर्स मौजूद हैं. डायरेक्टर अशीत जैन जी, प्रोफेसर मीनू गुप्ता जी, डॉक्टर दिनेश, डॉक्टर अमित एसेट्रा, तमाम लोग न्यूज़लेटर को रिलीज कर रहे हैं लॉन्ग पैनल. तो गाइज टाइम नाउ प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट ईच डॉक्टर्स प्लांट्स यहाँ पर जो है अशीत जैन जी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आए हुए तमाम मेहमानों को. यहाँ पर जितने डॉक्टर्स हैं तो रोमी प्लांट्स देकर यहाँ पर है डॉक्टर राजीव सर को रोमी प्लांट देकर यहाँ पर सम्मानित करते हैं. डॉक्टर राजीव जी को अशीत जी प्लांट देते हुए
डॉक्टर मनीषा जी को रोमी प्लांट देते हुए यहाँ पर, डॉक्टर नेहा जी को रोमी प्लांट देते हुए डॉक्टर दिनेश जी, डॉक्टर ए के अग्रवाल जी को यहाँ पर रोमी प्लांट्स देते हुए डॉक्टर दिनेश जी, डॉक्टर फरहान जी को यहाँ पर रोमी प्लांट्स देते हुए डॉक्टर दिनेश जी, डॉक्टर विवेक जी को प्लांट्स देते हुए डॉक्टर दिनेश जी, डॉक्टर सोनल सिंह जी को प्लांट्स देते हुए डॉक्टर दिनेश जी, डॉक्टर अनमोल जी को यहाँ पर रोमी प्लांट्स देते हुए डॉक्टर गौरव जी को यहाँ पर प्लांट देते हुए डॉक्टर रघुवंशी जी को प्लांट्स देते हुए डॉक्टर नीता मैम को यहाँ पर प्लांट्स देते हुए डॉक्टर नाजिया जी को यहाँ पर प्लांट्स देते हुए डॉक्टर अमित अथहर हसन को रोमी प्लांट्स देते हुए डॉक्टर विपिन जी को यहाँ पर रोमी प्लांट्स देते हुए तो सर को फ्लावर पोट ही थमा दिया है यहाँ पर थोड़ी कॉमेडी। तो डॉक्टर दिनेश जी को यहाँ पर रोमी प्लांट्स देते हुए डॉक्टर फरहान जी यहाँ पर जो है रोमी प्लांट्स देते हुए सर को, विकास जी को यहाँ पर रोमी प्लांट्स देते हुए डॉक्टर अमित लास्ट स्पीकर हैं एड्रेस करते हुए यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स को वॉलंटियर्स को और थैंक्स बोलते हुए। तो ये आज का प्रोग्राम होता है समाप्त और इसके बाद चलिए करते हैं डिनर। तो दोस्तों अमल महानी, प्रोफेसर मीनू गुप्ता, अमन रस्तोगी एसेट्रा स्पीकर्स के बाद और आज का पैनल डिस्कशन प्रोफेसर मीनू गुप्ता जी ने किया। तो इस सब के बाद लॉन्ग स्पीच के बाद अब टाइम है डिनर का। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और दिखाते हैं करते हैं डिनर। तो शिखा मैम, आशीष जैन जी सर और तमाम लोग यहाँ पर जो है इस वक्त मेहमानों को ले जाते हुए आज के डिनर की तरफ। तो चलिए दोस्तों टाइम है डिनर का, चलते हैं और करते हैं आज का डिनर। दोस्तों ये सेक्शन दिया गया है डिनर का, तो तमाम डॉक्टर्स मेहमान पहुँच रहे हैं और ले रहे हैं आज का डिनर। तो डिनर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रायता है, रोटी, पापड़, इस तरफ से गुलाब जामुन, सब्जी है यहाँ पर और राइस वगैरह। तो तमाम डॉक्टर दिनेश सर ले रहे हैं आज का डिनर। इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच के साथ यहाँ पर जो है डिनर के साथ ले रहे हैं तमाम लोग आज के मैच का एंजॉय और साथ चल रहा है डिनर। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का हम भी डिनर। दोस्तों डिनर हो चुका है समाप्त, चलिए करते हैं डॉक्टर से रिव्यू। मैं बस यही कहना चाहूंगा दैट वी आर वेरी लकी टू हैव वॉलंटियर्स इन आवर सिटी, बिकॉज यहाँ बिजनौर में जिस तरह का माहौल है यहाँ पे लोगों को कैंसर अवेयरनेस भी नहीं है अभी। आई होप के वॉलंटियर्स बहुत अच्छी यहाँ पे और अफोर्डेबल केयर लोगों को प्रोवाइड करें। थैंक यू सर। आज का प्रोग्राम कैंसर अवेयरनेस के लिए था और हम लोग सब ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, हमने कैंसर के इम्पोर्टेंस को आज डिस्कस किया था। कैंसर कैपिटल बन गया है तो सबको अवेयर होना इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। आज का प्रोग्राम हमारा जो था इसमें वॉलंटियर्स बिजनौर के साथ काफ़ी अच्छा रहा और इसमें हम लोगों ने मल्टी मोडालिटी के बारे में डिस्कस किया और जो बाकी स्पेशलिटीज़ हैं जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, हेड एंड नेक है, गाइनी है, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, उन सबको साथ में लेकर के एक कम्बाइन प्रोग्राम किया गया। उसके बाद का जो डिनर का प्रोग्राम था वो भी काफ़ी अच्छा रहा, लोगों ने काफ़ी इसको एंजॉय किया एंड एवरीबॉडी अप्रिशिएटेड। थैंक यू। ये जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी कैंसर बहुत बढ़ रहा है आजकल और इसीलिए हमने हीलर्स हॉस्पिटल बिजनौर के साथ मिलकर यहाँ पर एक कैंसर सेंटर खोलने का की योजना बनाई है। मैं अमित जैन वॉलंटियर्स कैंसर हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। हमारा यही संदेश है कि अब डरने की आवश्यकता नहीं है, अब कैंसर लाइलाज नहीं है और कैंसर का समुचित इलाज अब बिजनौर में ही उपलब्ध हो गया। धन्यवाद। प्रोग्राम बहुत अच्छा था शमीम साहब, आज शाम को हमें ये एक रोमी प्लांट दिया जनाब डायरेक्टर साहब ने और मीनू मैम और इनके तमाम स्टाफ ने, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारी कैंसर की वॉलंटियर्स की फर्स्ट ईएमई थी यहाँ पे करिए हमने कैसर व्यू में
और काफ़ी हम तो पहले से ही उसमें उत्साहित थे, डॉक्टर्स काफ़ी उसमें आए और कैंसर के बारे में डिस्कशन हुआ, लंग्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, फीमेल में ओवरी का, सर्विक्स कैंसर है। बेसिक ही मालूम पड़ा कि कैंसर अगर स्टार्टिंग फेज है तो हमें ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, हमें किस फेज में जाना चाहिए, स्क्रीनिंग कैसे कैसे करवानी चाहिए, और ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप था। हमने आज अपनी जर्नल भी लॉन्च करा है जिसको हम क्वार्टरली रखेंगे, डॉक्टर्स के विभिन्न उसमें आर्टिकल्स रहेंगे, और प्रॉपरली हम CMEs कैम्प के माध्यम से भी लोगों को अवेयरनेस देते रहेंगे कि फर्स्ट स्टेज पे स्क्रीनिंग कर लो कैंसर की, ये नहीं कि हमें लास्ट स्टेज में डॉक्टर के पास जाना है, फिर लिमिटेड ट्रीटमेंट है, टूल्स है, ऑल द ट्रीटमेंट है हर स्टेज पे। तो विभिन्न कैंप्स हम और CMEs करते रहेंगे, तो आज सक्सेसफुल रहा है हमारा काफ़ी, उसके लिए पूरी टीम वॉलंटियर्स को भी बधाई, और हीलर्स का काफ़ी सहयोग हमें मिलता रहता है, और नेटवर्क का पूरा हमारा NGO साथ में है, भाई भी है हमारे, तो आपको भी हम मिलते रहेंगे रेगुलर। और पेशेंट जो भी आते हैं हमारे यहाँ, हमारा एक ही मोटिव रहता है कि हाँ वो अच्छा ट्रीटमेंट लेके जाए विद जेन्युइनिटी, कोई कहते हैं कि हाँ अफोर्डेबल नहीं है या अमाउंट ज़्यादा है, उसको भी हम कंसेशन दे देते हैं, तो कोई पेशेंट ऐसा ना हो कि वो अमाउंट को लेके हमारे पास क्वेरी ना करे। तो मेरा यही कहना है, जिसको भी डाउट है कैंसर का अपनी बॉडी में, कोई पार्टिकल की ग्रोथ है, अनइवन पार्टिकल की, स्क्रीनिंग के लिए एक बार कैंसर डॉक्टर के पास जरूर आए, दाएं बाएं ना भटके वो। मैं डॉक्टर मीनू गुप्ता, ऑन्कोलॉजिस्ट, हीलर्स वॉलंटियर्स कैंसर सेंटर बिजनौर से। तो आज का हमने जो एकेडमिक प्रोग्राम किया था, इंटेंट ये था कि बिजनौर में और बिजनौर का जो ड्रेनिंग एरिया है लाइक चांदपुर, नेहटूर, इवन मुरादाबाद से पेशेंट आते हैं, मेरठ में जो हमारा हेडक्वार्टर है, तो इंटेंट ये था इतना सारा कैंसर पेशेंट है और क्यों ना हम मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच एक ही रूफ के नीचे एक ही जगह दी जाए। बहुत अच्छे बिजनौर में फिजिशियन है, न्यूरोसर्जन है, रेडियोलॉजिस्ट हैं, तो हमने आपस में कैंसर के क्या रीज़न है, इंडिया का क्या सिनेरियो है, WHO की जो स्ट्रेटजी है कैंसर सर्विस को हमें इरेडिकेट करना है, जो छोटी बच्चियां हैं उनको वैक्सीनेशन देना है, तो इन सब के बारे में हमने आज डिस्कशन किया। डॉक्टर अनमोल, डॉक्टर गौरव आए थे देहरादून से, उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया कि इम्पोर्टेंस ऑफ पैथोलॉजी का क्या है, कैंसर की मैनेजमेंट में, उनके डायग्नोसिस में हमारे रिनोन्ड पैथोलॉजिस्ट उसको सपोर्ट कर सकते हैं। इफेक्टिव ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कशन की कि पेशेंट को जो भी अफोर्डेबल एट द कॉस्ट ऑफ द अफोर्डेबिलिटी, वी विल ट्राई टू मैनेज ऑल द थिंग्स विद द क्वालिटी बेस्ड केयर। थैंक यू। तो दोस्तों, द हीलर्स वेंटिस कैंसर सेंटर की जानिब से आज का ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो रॉयल कैस्टेल के अंदर किया गया था, 100-150 डॉक्टर्स को इनवाइट किया गया था, डीपली तौर पर यहाँ पर जो है कैंसर से रिलेटेड तमाम बीमारियों पे, वो लंग्स कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो या अदर तरह का जो भी कैंसर हो, उस पर डीपली तरह से जो है डिस्कस हुआ। तो डिस्कस होने के बाद न्यूज़पेपर लॉन्च किया गया, रोमी प्लांट्स यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए, और उसके बाद यहाँ पर जो है डिनर का प्रोग्राम था, बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस जो डिनर रहा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, ये था हमारा आज का व्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, प्लीज़ वॉच माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक रखें आप अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़। चल गई रिकॉर्डिंग ऊपर ऊपर जी जी जी।